मेरे भाई की उम्र 16 साल थी। वो ईद की खरीदारी के लिए घर से दिल्ली गया हुआ था शॉपिंग के लिए। लेकिन जब उन्होंने शॉपिंग की और उन्होंने ट्रेन पकड़ी फरीदाबाद के लिए, उसके बाद वो ट्रेन में बैठे और कुछ लोग और उनके पास आए और कहने लगे कि आप हमें सीट दे दीजिए। तो हमारे भाई साहब ने क्या किया, उनमें एक बुजुर्ग था उसको सीट दे दी और उस बुजुर्ग को सीट पर बैठाया और खुद खड़ा हो गया। उनका यही फर्ज था, उन्होंने उस बुजुर्ग की इज्जत की, एहतराम किया, अदब किया, उनको उन्होंने सीट दे दी। लेकिन जो कुछ दरिंदे थे वहां पर, उन्होंने क्या किया, उनको उकसाना शुरू कर दिया कि आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो, आप टोपी लगाते हो, आप दाढ़ी रखते हो, आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। देखिए, वो तो एक मासूम बच्चा था लेकिन इन चीजों के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उन लोगों को ये चीजें और इसके बारे में उनको एक एक चीज मालूम थी। लेकिन जब वो ये कहते रहे तो उस बच्चे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने भी कुछ कहा और उन्होंने भी कुछ कहा। दोनों तरफ से जब ये बातें शुरू हुई तो वहां पर जो लोग थे किसी ने उनको मना नहीं किया और ये भी नहीं किया कि भाई ये एक मासूम लड़का है, आप नौजवान हो, रहने दीजिए, इस बात को खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं है। किसी ने नहीं रोका। क्यों, आखिरकार क्यों नहीं रोका? एक मासूम बच्चे पे जब अत्याचार हो रहा था सबके सामने, ये नफरत की दीवारें किसने लाकर खड़ी कर दी हमारे बीच में? श्री मनोहर लाल खट्टर जब हमारे भाई के बारे में ये बात सुनी, और किसको नहीं पता था, जब ये कांड हुआ, ये हत्या हो गई हाफिज जुनैद की, सबको मालूम था, पूरे देश को मालूम था, लेकिन श्री मनोहर लाल खट्टर हमारे घर तक नहीं आए। क्यों, क्या वजह थी? जब वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उसको तो ये सोचना चाहिए था, अगर एक मुस्लिम बच्चा है तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं उसके घर जाऊं और उनको तसल्ली दूं, उनके माँ बाप को कहूं कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, हम इसकी कार्रवाई करेंगे, उसका ये फर्ज बनता था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और आज तक वो हमारे खिलाफ चल रहा है, जालिमों के साथ दे रहा है। ये किसकी मतलब पार्टी और किसके नजरियात हैं? ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के नजरियात हैं, वरना ये अब से पहले और कभी नहीं हुआ। जो 2016 में घटना हुई थी, गौरक्षकों ने हम चार भाइयों को पीटा था। जब गाय मरी हुई थी तो हमारा जो धंधे था वो चमड़े निकालने का, तो उस गाय का चमड़े निकालने का हम काम कर रहे थे। जो हमारे गांव की जगह है गौचर की, वहां पे तो वो गौरक्षक को 40-50 लोग आ गए वो जगह पे। फिर बाद में हम चार भाइयों को उस लोगों ने पीटा 3 घंटों तक वो जगह पे, और वो बोल रहे आप हिंदू नहीं है, आप मुसलमान है, आप जिंदा गाय काट रहे हैं। तो हमें उसने बताया था नहीं, हम मरी हुई गाय के चमड़े निकाल रहे हैं और ये हमारा धंधा है और ये इसमें से हम हमारा परिवार का गुजरान चलाते हैं। फिर उसने कोई हमारी बात सुनी नहीं और हम लोगों को पीटते रहे। 3 घंटों के बाद मेरे मम्मी और पापा को खबर मिली कि हमारे लड़कों को ये गौरक्षकों वाले पीट रहे हैं। तो तुरंत मेरे मम्मी और मेरे पापा वो जगह पे आए तो उस दोनों को भी गौरक्षकों वाले ने पीटा। मेरे पापा को चर पे लोखंड का पाइप मार दिया और उसको भी बेहोश कर दिया। मेरे मम्मी को भी उसने गंदिया गाली दी और मेरे मम्मी को भी उसने पुलिस का डर डाला उसके पास।
तो उसके मारा मेरे मम्मी को। फिर बाद में गौरव शुक्र साहब जो पुलिस वाला था ऊना के अंदर, जो 5 लोग थे पुलिस वाले, वो गौरव शुक्र के साथ मिले हुए थे। तो हम लोगों को जो जगह पे पीटा था वो जगह से ऊना लेकर जा रहे थे उसकी जाइलो गाड़ी में। तो वो पुलिस वाला रास्ते में मिला और गौरव शुक्र के साथ हाथ मिलाया और बोलने लगा उसको ले जाओ ऊना और उसके गाड़ी के पीछे बांधकर रैली निकालो, पुलिस वाला ऐसे बोला। फिर बाद में ऊना के अंदर हम 4 भाइयों को ले गए और रैली निकाली और पुलिस स्टेशन के अंदर मार कर हम लोगों को कस्टडी में डाल दिया 4 भाइयों को। जो मेरे भाई के साथ हुआ गौरव सर लोगों ने मारा, बहुत दंगे पीट करे, बहुत से मारा। इसके लिए मैं बात रखता हूँ कि वहाँ की सरकार के लिए, जो मेरे भाई ने बहुत तकलीफ से मेरे भाई को मारा। मेरा भाई गया था बकराई का टाइम था, गोश्त की खरीदी करने गया था, तो आप गोरख सबलों ने 7-8 इंसान ने मेरे भाई को मारा और बहुत तेजी से मारा और लाश को मार के ऐसा फेंक दिया जिससे लावरिश दोस्त मौत। और जो मेरे भाई का फोन आया तो मेरे भाई को उस टाइम पे 11:30 बजे घर छोड़ के आया था। 1:30 बजे की वाक्य आई वो इसकी बकराई की खरीदी थी, उस टाइम पे मेरे भाई को बहुत तेजी से मारा और रोड पे बीच रास्ते पे फेंक दिया इस पर हाईवे में जैसे लाहौर मौत। और पुलिस ने कार्रवाई कोई नहीं करी, चलते गया केस, पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करी, पुलिस ने ये बोला कि एक्सीडेंट केस हुआ। मुझे अंधेरे में रखा 3-4 दिन जब तक मेरे भाई को होश नहीं आया। जैसे मैं पुलिस का मेरे भाई से बात करने की कोशिश करूँ तो पुलिस वाला बोले कि इससे बात मत करो, टाइम नहीं, इसके बाद ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ऐसे 3-4 दिन चलते रहिया, कार्रवाई चलती रही, पर कुछ हुआ नहीं।